सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, रिमूव के डिजिट्स। तो ये 11th अप्रैल लीट कोड डेली का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, मतलब कि हमें 3 दिया है तो हमें 3 डिजिट्स रिमूव करनी है, सच डेट ये जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नंबर है 1 1 4 3 2 2 1 9, तो ठीक है। तो इसको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो होता है हमारा नंबर, सबसे आगे जो है वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए एंड देन सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ये तो बेसिक से नॉलेज है, 1 1 1 9 छोटा होगा 9 9 9 9 1 1 से, ठीक है। इधर सबसे छोटा एलिमेंट जो है हमारा, सबसे छोटी डिजिट है वो सबसे पहले आएगी और जो सबसे बड़ी डिजिट है वो सबसे बाद में आएगी, मतलब हमें इंक्रीजिंग नंबर चाहिए, इंक्रीजिंग नंबर चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग नंबर वाइज हम डालते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये 1 है, ठीक है, अब 1 आ गया हमारे आंसर में, 4 भी इंक्रीजिंग है तो 4 आ गया। अब ये 3 डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है तो अब हम इस 4 को रिमूव कर देंगे एंड देन 3 डाल देंगे। अब 3 1 से बड़ा है तो 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, 2 पे। अब 2 क्या कहते हैं, 3 से बड़ा है, मतलब 2 3 से अब छोटा है, तो फिर हम अब 3 भी हटा देंगे, ठीक है। अब 2 आ जाएगा, लेकिन 2 1 से बड़ा है तो अभी भी इंक्रीजिंग है तो 2 नहीं हटाएंगे, मतलब ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब 2 क्या कहते हैं, इससे छोटा था ना, इसलिए हमने 3 हटा दिया, ठीक है, ये 3 हटा दिया, तो इसलिए अब यहाँ पे 2 आ गया। फिर से 2 पे, अब या तो अगर ये आगे वाला नंबर डिक्रीजिंग होता है हम तभी हटाते हैं, सेम है या इंक्रीजिंग है तब नहीं हटाते। अब आगे वाला नंबर यहाँ पे 2 पे है, ठीक है, अब इस 2 पे है तो ये 2 सेम है, तो ये 2 सिंपली ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम 1 पे आ गए, अब 1 छोटा हो गया, 1 छोटा हो गया इस वाले 2 से, तो ये वाले 2 हटा देंगे और यहाँ पे 1 ला देंगे, ठीक है। अब ले आए हम, तो ये 1 2 1 हो गया, ठीक है। अब हमारा k खत्म हो गया, हम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 ही एलिमेंट हटा सकते थे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट हटा सकते थे, तो 3 हटा दी, अब k हमारा 0 हो गया, ठीक है, k 0 हो गया। अब इसीलिए अब हम ये हमारा ये 1 2 1 बचा और जो बाकी नंबर है हम वो सिंपली वैसे ही डाल देंगे, 1 2 1 9, ठीक है। तो हमारा 1 2 1 9 रिटर्न हो गया। अगर के हमारा 4 होता ना, 4 होता तो यहाँ पे मान लो हमारा 1 आ गया था ना वापस से, तो 1 2 1 हमारा क्या बना था, ये 1, तो ये 1 2 1 था, अब यहाँ पे वापस से 1 2 2 था ना, अब यहाँ पे 1 आ गया था, तो 1 आ गया था, तो अब हम ये 2 हटा देते, फिर से 2 हटा देते, यहाँ पे बस 1 बचता, ठीक है, 1 बचता, ठीक है। और ये फिर से इससे छोटा है तो ये वाला 2 भी हटा देते, मतलब 2 आगे हमारा सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए पर बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला 2 भी हटा देते, तो ये वाला 2 भी हट जाता, अब यहाँ पे सेम आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, तो ये इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गया, तो इसलिए हमारा 119 आता आंसर, ठीक है, अगर के 4 होता तो। तो मैं बस ऐसा नंबर बनाना है जो कि इंक्रीजिंग फॉर्म में हो, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग फॉर्म, अब के इक्वल टू 3 था, ये पूरे इंक्रीजिंग फॉर्म नहीं है क्योंकि आगे के हमने मैक्सिमम 3 एलिमेंट हटा दिए, उससे ज्यादा नहीं हटाए, ठीक है। तो अगर मान लो पूरा ही नंबर, मान लो के अगर नंबर की लेंथ के इक्वल है, ठीक है, के इक्वल टू मतलब 5 है और हमारा नंबर भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो ये पूरा का पूरा हट सकता है, मतलब हमें बेसिकली सबसे छोटा नंबर बनाना है जी, और सीक्वेंस इंक्रीजिंग होना चाहिए, इस तभी हमारा छोटा नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप कहोगे कि इंक्रीजिंग का है, ये 1 2 है, 1 है, फिर 9 आ गया, तो क्योंकि हमारा के 3 था, के अगर हमारा स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल होता ना तब हमारा इंक्रीजिंग नंबर बन जाता, ठीक है। अब देखते हैं इसको कोड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम int n = num.length कर देते हैं, ठीक है,
हम एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर नाम का, ठीक है, एसटी, क्योंकि हमें पिछला वाला पॉप करना है ना, तो पिछला वाला पॉप करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका स्टैक रहेगा, ठीक है। अब ट्रेवर्स करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। अब वाइल, अब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, एंड हमारा हमारे पास डिलीट करने के लिए भी कुछ है, एंड के ग्रेटर देन 0, एंड जो हमारा जो नंबर आ रहा है, ठीक है, इफ नम ऑफ आई, ये ग्रेटर नम ऑफ आई लेस देन हो गया हमारे स्टैक के, ठीक है, स्टैक से हमारा ये छोटा हो गया, ठीक है, स्टैक डॉट टॉप। तो इस केस में हमें स्टैक से पॉप कर देना है, ठीक है, एंड देन के माइनस माइनस, ठीक है, नम ऑफ आई हमारा अगर इससे बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, मतलब जैसे कि हमारा ए वन आया था, 4 इंक्रीजिंग, तब हम 3 पे आ गए, ठीक है, 3, ये जो 3 है ये 4 से छोटा हो गया ना, तब हमें हमने 4 हटाना पड़ा। इफ नम ऑफ आई इज लेस देन, हाँ ये सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बन सकती है, ठीक है, अगर हमारे प्रिसीडिंग जीरोज है, तो अगर तो ही हमें पुश अग तो हमें पुश नहीं करना है, मतलब इफ अगर हमारा जब नम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तभी हमें पुश करना है, या फिर अगर स्टैक ही खाली है, स्टैक ही खाली है, या फिर अगर हमारा स्टैक नहीं खाली है तब 0 आए तो हम पुश कर सकते हैं, जैसे कि 1100, ये वाले 0 तो पुश कर सकते हैं ना, मतलब हमारा स्टैक खाली नहीं है, या फिर अगर आगे 0 भी नहीं है, मतलब अगर आगे 0 होते तो वो स्टैक में नहीं जाते ना, तो इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसी केस में हम अपने स्टैक में पुश कर सकते हैं, तो स्टैक डॉट पुश नम ऑफ आई, ठीक है, तो ये भी हो गया। और इन केस हमारे पास के अगर कुछ बच जाता है, ठीक है, के अगर कुछ बच जाता है, तब हमें बस सिंपली, जैसे कि मान लो हमारा नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये पूरा इंक्रीजिंग है और हमारा के इक्वल टू 3 है, तो हमें 3 एलिमेंट हटाने, तो हम टॉप के बस 3 हटा देंगे, ठीक है, तो हमारा ये सिंपली नंबर बन जाएगा 1 2 3 4 5। अगर हमारा इंक्रीजिंग नंबर बन गया है, ठीक है, ये करेंगे तो हमारा इंक्रीजिंग नंबर बन जाएगा, ये वाला कोड लिखेंगे, तो इसके बाद हमारा अगर के कुछ बच जाता है तो बस वो स्टैक में से वो वाले नंबर सिंपली हटा दो, तो ठीक है, तो एसटी डॉट ऑफ एंड देन के माइनस माइनस, अब हमारा आंसर बन जाएगा सिंपली, तो स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू दिस व्हाइल, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता आंसर में डालते रहो, पॉप करवा दो, आंसर को रिवर्स कर दो क्योंकि स्टैक रिवर्स में आएगी हमारी स्ट्रिंग, एंड देन रिटर्न आंसर कर दो, लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। वेट अ सेकंड, लेट मी रिफ्रेश द कोड, वन सेकंड, आई होप दिस विल वर्क, देयर इज सम एरर,
ओके, सो इफ एट स्टैक बिकम्स एम्प्टी देन सिंपली वी हैव टू रिटर्न जीरो. ओके, वी हैव टू रिटर्न जीरो, नॉट दिस एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके, लेट्स सी, रन करेंगे. सो ऑल टेस्ट केस आर फाइन, लेट सबमिट दिस कोड. So it has submitted successfully. I hope the solution understood very well. Okay, now let's see you back guys in another video.